जो हाँ झारखंड नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो शंख बज चुका है, जी हाँ, दुर्गोत्सव का भी और JLKM के चुनाव के प्रत्याशियों का भी। जी हाँ, आज घोषणा हो चुकी है धनबाद के सर्किट हाउस में 6 नामों की, वैसे कैंडिडेट्स की जो विधानसभा चुनाव में JLKM को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी से और समझते हैं आने वाले चुनाव को। सबसे पहले जोहार। जोहार तमाम झारखंड वासियों को, सुशील मंडल का जोहार। ये बताइएगा कि 6 नामों की घोषणा हुई तो आपको कब से पता था कि यही नाम है? देखिए, हमारा लगभग 12 से 13 घंटे का कल लगातार सुबह से रात 3-4 बजे तक मीटिंग हुआ। मैं सेंट्रल जो संसदीय बोर्ड बना है उसमें भी हूँ, तो जब हमारा आज लगभग 4 बजे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्याशी कौन होंगे, तो मतलब रात भर मीटिंग चल रही थी। हाँ, मीटिंग लगातार रात भर चली। आपने जयराम जी को भी सुना ना, उन्होंने भी कहा था लगभग 12 घंटा मीटिंग चली। अच्छा, तो JLKM का आमतौर पे जितना भी बड़ा डिसीजन होता है या तो पारसनाथ पहाड़ की तरफ होता है या रात को किया जाता है, ऐसा क्यों? इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन था, रात में भी हुआ है और पारसनाथ की तलहटी में भी हुआ है। तो ऐसा क्यों, मतलब JLKM में हमारी पहचान झारखंड की माटी से, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से, हमारी पहचान टाइगर जयराम के दहाड़ से। ओके, हाँ, तो बस इसी को फॉलो, इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, मतलब बिजी शेड्यूल रहता है। हाँ, बिजी शेड्यूल रहता है और आप खुद देखते हैं तमाम पूरे झारखंड के लोग एक आशा उम्मीद के साथ दिन भर जयराम जी के पास समस्याएं लेकर आते हैं, तो आमतौर पर रात को 2-1.5 बजे के बाद ही वो फ्री हो पाते हैं। तो केवल यही कारण है कि हमारी मीटिंग्स जो है रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक चलती है। पिछला सप्ताह तो एक मीटिंग रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ, आपका 6:30 बजे तक चला था सुबह। ओके, चूँकि आप समझ सकते हैं पूरे राज्य की जिम्मेदारी जब युवाओं ने उठाई है तो उस जिम्मेदारी को निभाना भी हमारा परम कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए हम सब ने परम त्याग कर जितना हो सकता हम सब ने अपना 100% दिया है। अच्छा, एक बार बताइएगा क्या रणनीति होने वाली है विधानसभा में ताकि JLKM ही ऊपर आए, क्योंकि बहुमत चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं, ना ही किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे में बहुमत ही एकमात्र विकल्प है। क्या रणनीति होने वाली है, फोकस कहाँ है, कहाँ टच करने वाले हैं? देखिए, झारखंड की जनता जो पिछले 24 वर्ष तक शोषित थी, पीड़ित थी, हर एक जो भी सुविधाएं थी जो झारखंड की जनता को मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नियोजन नीति हो, चाहे उनकी ज़मीनों को अतिक्रमण किया गया, ज़मीन के बदले डिस्प्लेसमेंट में नौकरी की बात करें, हर एक समस्या से झारखंड की जनता त्रसित थी, त्राहिमाम थी। तो आज कहीं ना कहीं उनको एकमात्र आशा उम्मीद के रूप में कहीं भी कोई भी छात्र की, जैसे JSSC CGL की समस्या है, तो उन्हें लगता है केवल और केवल जयराम महतो ही इसका निदान कर सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। तो केवल वही रास्ता में हम अपने कर्म को करते चल रहे हैं और राज्य की जनता इस बात से परिचित है कि किस प्रकार का संघर्ष हमारा है और उसका फल राज्य की जनता खुद देगी। कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे? लगभग 71 तक का हमारा आवेदन आया है और 70 से 71 का आवेदन आया है, तो उतने पर तो हम कंफर्म लड़ने जा रहे हैं। और बाकी बची हुई विधानसभा में अगर समन्वय बैठता है, हमें योग्य प्रत्याशी मिलते हैं, तो हम 81 विधानसभा में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में एक जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि कैंडिडेट्स का नाम देर से अनाउंस हुआ था, इस बार JLKM ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया है, क्या मतलब तैयारी जीत की? देखिए, पिछली बार क्या था कि हमारे पास जनबल तो था पर व्यवस्थित जनबल, सिस्टमैटिक जनबल नहीं था, और इस बार हमारे पास जिला कमेटी, बूथ कमेटी या ग्राम कमेटी, सब कुछ का गठन एकदम सिस्टमैटिक तौर पर हो चुका है। तो जब लड़ाई लड़नी ही है तो देर क्यों करना। जी। अच्छा, एक बात और, JLKM ने फॉर्म्स इसके लिए मंगवाए थे, एप्लीकेशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है या किसी और में, और पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं, मतलब उनका भी होता है बकायदा पर्चा दाखिल करते हैं वो भी, लेकिन जिस तरीके का प्रोसीजर इसमें फॉलो किया गया कि आपको इतने रुपए देने और उसके बाद ये भरना है, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, हम राज्य में नई पॉलिटिक्स करने आए हैं, एक पॉलिटिकल जो आज तक का जो पॉलिटिकल माइंडसेट था पूरे राज्य में कि कोई नेता का बेटा आकर नेता बन जाएगा, कोई पूंजीपति आकर नेता बन जाएगा कोई, और ये बात मैं आज जैसे टिकट घोषणा हूँ मैं क्लियर कहता हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके पास, मान लीजिए जो हमारा पैसा रखा गया था, पैसा नहीं भी था तो उनका आवेदन लिया गया है, कोई ऐसा नहीं कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम नई पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नए राजनीतिक कौशल को निखारने के लिए जयराम जी ये नया एक स्टेप लिए हैं, और
काफ़ी सिस्टमेटिक तौर पर चीज़ें चल रही है और काफ़ी मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हो रही है। कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों को केवल सीट के फेर में छोड़ कर आए हैं, उसके लालच में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति आज तक इससे पूर्व जो राजनीति, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, जेबी केएसएस में आए हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। देखिए, ऐसा जो भी व्यक्ति हैं जी, उन्हें चिन्हित कर उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं संसदीय बोर्ड का मेंबर हूं, मैं कोर कमेटी में हूं जी, मैं केंद्रीय प्रवक्ता भी हूं, तो मुझे डिसीजन मेकिंग का पूरा पावर मिला हुआ है। तो मैं क्लियर मेंशन करना चाहता हूं, जिनकी मंशा केवल और केवल टिकट लेना, मतलब महत्वाकांक्षा भरी जिनकी मंशा है, तो उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रही है। ये ठीक है, धन्यवाद। तो ये बात हो रही है धनबाद के सर्किट हाउस से। हालांकि आज जो ये प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, काफ़ी पहले की गई है, क्योंकि बीजेपी ने भी कह के रखा हुआ है कि नवरात्र के दौरान ही उम्मीद जताई जा रही है। कल लेट नाइट जो है सोशल मीडिया पर कुछ नामों की लिस्ट भी वायरल हो रही है कि इन प्रत्याशियों का नाम जो है वो आगे किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है। और इस मामले में, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के मामले में, जेएलकेएम ने एक लीड ली है आज धनबाद के सर्किट हाउस से झारखंड को बदलने की और झारखंड की तस्वीर को निखारने की एक कोशिश जेएलकेएम ने शुरू कर दी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, क्या पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने से जेएलकेएम को चुनाव में भी लीड मिल सकती है?